जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। कई भाइयों का, कईयों का नहीं मतलब सबका ही है कि जिसका नंबर आने वाला है या जो पढ़ाई कर रहा है उसको इस चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है क्या सैलरी कितनी मिलती है और ट्रेनिंग टाइम में कितना मिलता है पैसा, और क्या ट्रेनिंग से सभी डिपार्टमेंट जैसे SSGD की जो डिपार्टमेंट आगे भी है, सब CRPF, इन सभी की सैलरी सेम होती है या कुछ अलग अलग होती है। तो ये कईयों का है और मेरे को बहुत कमेंट आए हैं कि सर इस पर एक ज़रूर वीडियो बनाना, भले शॉर्ट ही बनाओ लेकिन एक वीडियो ज़रूर बनाना। तो ये उन भाइयों के लिए है जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं है क्योंकि पैसा आज जीवन की सबसे बड़ी नीड है। पैसा सभी को चाहिए, बिन पैसे के कुछ होता नहीं, पैसे का खेल है पूरी दुनिया में। तो ट्रेनिंग में क्या होता है और ट्रेनिंग में आपको कितना पैसा मिलता है इसके बारे में काफ़ी लोगों को मतलब क्यूरियोसिटी है कि जानने के लिए कितना, और सभी का सेम होता है। तो बता दूँ दोस्तों कि आप अभी SSGD में जब लग रहे हो तो अभी आपका जो बेसिक पे होगा वो होगा 21,700 रुपये। इसके अलावा आपको DA मिलेगा और जो राशन मनी होती है वो मिलती है, तो वो तो आपकी वहीं कट जाती है। तो इसके अलावा आपको 21,700 रुपये वो मिलेगा DA। उसके बाद में अब HRA का रूल भी आ गया, तो जो जिस सिटी में रह रहा है उसकी उस सिटी के अनुसार जैसे 3 कैटेगरी, 8%, 16%, 24%। तो वो ट्रेनिंग टाइम में आपने को मिले ना मिले वो पता नहीं, लेकिन कई बार मिल जाता है ट्रेनिंग टाइम में, कई बार बाद में मिलता है। बाकी जो बेसिक पे है वो आपकी 21,700, उसके अलावा आपको उस पर DA मिल जाएगा, तो कोई मिला के आपको 25,000 के समथिंग, और उसके बाद में राशन मिली वैसे मिली वो मिला के 30,000 के समथिंग आते। तो उसमें से 4,000 रुपये आपके मतलब वो राशन मनी के जिसके जिस डिपार्टमेंट में जितनी है मतलब लगभग लगभग यही है, तो 2-3,000 रुपये, 3,500 रुपये उधर निकाल लो। तो उसके बाद में आपके हाथ में 22-23 ट्रेनिंग के दौरान 22-23 हज़ार या 24, आप जब तक ज्वाइन करोगे 24,000 के आसपास मान लो आपको ये पैसे ट्रेनिंग के दौरान मिलेंगे। ट्रेनिंग के बाद में ये HRA का रूल अभी आपको टाइम लग सकता है, ज़रूरी नहीं है आपको ट्रेनिंग में HRA मिले तो इतना पैसा मिलेगा। एक कई भाइयों ने पूछा कि मतलब ज्वाइनिंग करते हैं हमारे ट्रेनिंग हो जाएगी शुरू या लेट होगी क्या होगी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप जिस दिन ज्वाइनिंग कर लोगे पेमेंट आपकी उसी दिन से शुरू हो जाएगी। जिस डेट की आपकी ज्वाइनिंग है उस डेट को आप जा सकते हो, उसी डेट से आपकी पेमेंट शुरू हो जाएगी, तो उसकी आपको कोई टेंशन नहीं। लेकिन हाँ, ज्वाइनिंग के टाइम मैंने पहले भी बताया कि कुछ पैसे अपने पर्सनल खर्चे के लिए लेके जाना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपकी फर्स्ट मंथ ही सैलरी आ जाए, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स कार्रवाई में टाइम लगता है। तो ये सैलरी का सभी का यही शेड्यूल है, इसके अलावा कुछ डिफरेंट नहीं है। बाकी आप जैसे ज्वाइन करोगे आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ पैसे साथ में रखना, वो ट्रेनिंग में जाने के समय या ज्वाइनिंग के समय आपको क्या क्या सामान लेके जाना है आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे तो मैं उसके बारे में आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दूंगा। हाँ, एक और बता देता हूँ मैं कि जब आप वहाँ पर जाते हो ट्रेनिंग से ज्वाइनिंग सेंटर में, तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उसके बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। वो भी कईयों ने मेरे को पूछा कि डॉक्यूमेंट सर क्या क्या चाहिए, हमारे पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, नहीं होने जो ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादातर, तो वो भी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा।